हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें आप लोगों को फ्रैक्शन का एलसीएम और फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना सीखना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो मैं आप लोगों को ये आज दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है 2/3, 4/9, 5/6, 7/12, इसका निकालना है आप लोगों को एलसीएम। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आप लोगों को एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को फ्रैक्शन में नंबर दिए गए हों यानी भिन्न का आप लोगों को निकालना है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर यानी अंश का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एन फॉर न्यूमरेटर, अंश का एलसीएम निकालेंगे, और डिनोमिनेटर इसका निकालेंगे एचसीएफ यानी हर का एचसीएफ। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को भिन्न का फ्रैक्शन का निकालना हो एलसीएम, तो आप लोगों को अंश का एलसीएम निकालना होगा और हर का एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो आप देखिए अंश क्या क्या है, 2, 4, 5, 7। ठीक है, इसका क्या निकालना है आप लोगों को, एलसीएम। ये हो गया अंश, और हर क्या क्या है, 3, 9, 6, 12, इसका क्या निकालना है आप लोगों को, एचसीएफ। ठीक है, तो हल कर लीजिए, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 5, 7, इसका आप लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2, 5 × 7। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 140। तो ऊपर तो आपका आ जाएगा 140, नीचे आपका देखिए 3, 9, 6, 12, 3, 9, 6, 12, सभी संख्याएं देखिए 3 से कट जाएंगी, तो इसका एचसीएफ जो होगा, म स जो होगा 3 होगा, तो इसका म स क्या आएगा, 3। ठीक है, तो ये आएगा आपका 140/3। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 140/3। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले क्वेश्चन में अगर आप लोगों को फ्रैक्शन दिया गया हो और इसका निकालना हो एलसीएम, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अंश न्यूमरेटर इसका निकालना है आप लोगों को एलसीएम, और डिनोमिनेटर इसका निकालना है आप लोगों को एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को एचसीएफ निकालना है। अब इसे कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से, अब इस पर आप लोगों को उल्टा करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया गया है भिन्न, इसका निकालना है एचसीएफ, तो भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अंश यानी न्यूमरेटर इसका निकालेंगे अब एचसीएफ, और डिनोमिनेटर यानी हर इसका निकालेंगे एलसीएम, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो अब इसे भी हल कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 54/9 यहाँ पे दिखा गया है, 3 सही, 9/17, इसको आप लोगों को बदलना होगा साधारण भिन्न में। यहाँ पे 36/51 सही है। ठीक है, तो क्या क्या है, पहला है आपका 54/9, दूसरा है आपका 3 सही, 9/17, तो इसको बदलेंगे, 3 में 17 का गुणा करेंगे 51, में 9 जोड़ देंगे 60/17 आ जाएगा ये, और तीसरा है आपका 36/51। ठीक है, अब आप लोगों को न्यूमरेटर यानी अंश का लेना है एचसीएफ। अंश क्या क्या है, अंश आपका है 54, 60 और 36। ठीक है, इसका क्या निकालना है आप लोगों को, एचसीएफ। ठीक है, और हर क्या क्या है, हर आपका है 9, 17, 51, 9, 17, 51, इसका क्या निकालना है आप लोगों को, एलसीएम। ठीक है, तो इसे आप लोग, तो देखिए कैसे हल करेंगे। इससे पहले एक बात और ध्यान दीजिए, आप लोग और छोटा कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 54/9 लिखा गया है, 9 से ही कट जाएगा, 6 आएगा, 9 छक्का 54। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 60/17, ये तो ऊपर नीचे नहीं कटेगा, ये ऐसे ही लिखेंगे, और ये आपका कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 12 बार जाएगा, और नीचे आपका 17 बार। ठीक है, तो अब क्या क्या आ गया आपका, 6, 60/17 और 12/17, इसका आप लोगों को क्या निकालना है, म स लेना है। ठीक है, इसका आप लोगों को म स लेना है, तो आप लोग म स कैसे निकालेंगे, तो 6, 60, 12 अंश हो गया, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, यानी अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। हर क्या क्या है,
और आपका है 1 17 17, ठीक है, 1 17 17, यही है यार, ठीक है। इसका आप लोगों को निकालना है एलसीएम, इसे ही आप लोगों को हल करना है। देखिए अब 6 60 12, इसका एचसीएफ यानी म से क्या होगा, तो अगर आप लोग ध्यान दें तो 6 से जो है 12 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा, ठीक है। तो 6 60 12, इसका एचसीएफ जो आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। और 1 17 17, इसका एलसीएम क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 बटे 17, ठीक है। आप लोग एचसीएफ एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 6 बटे 17, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 बटे 17। आप लोगों को बस बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालना है और फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।